कड़कड़े अंदर से सॉफ्ट। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फोर स्टार किचन। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हो। अल्लाह सुबहान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है उसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें और कोशिश करें ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बना रहे हैं जी फ्रेंच फ्राइज एक अलग तरीके से। ये बहुत ही ज्यादा मजे के होंगे, यकीनन आप सबको भी बहुत मजे के लगेंगे। रेसिपी को फुल देखिएगा स्किप किए बगैर। ये बहुत ही छोटी सी वीडियो है, सिंपल और आसान, और आखिर में फ्राई करने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि कैसे फ्राई करना है। चलें जी अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू लिए हैं, उनके छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं। ये हाफ के जी आलू हैं, ये पानी में डाल दिए हैं। और इसके अलावा एक एग लिया है, ये फेंट के इसमें शामिल करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक हम मैदा शामिल करेंगे। आप देखते जाइए कि कितनी कितनी ज़रूरत के मुताबिक मैं ये मैदा और ये मसाले वगैरह ऐड कर रही हूँ, और आप अपनी मर्जी से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसालों में 1 टीस्पून इसमें दरा मिर्च आएगा, चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून इसमें नमक है, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर। पहले कटिंग बोर्ड पे आलुओं को हम काट लेंगे एक ही शेप में। इसको काट लें। इस तरह आपने पूरा आलू लेके इसको काटना है और इसको इस तरह स्लाइस में इस तरह कर लें कि आप इसकी जिस तरह फ्रेंच फ्राइज होते हैं उसी साइज में आपने इस तरह कटिंग बोर्ड पे रख के काट लेना है। तमाम आलुओं की हमने कटिंग कर ली है, फ्रेंच फ्राइज की शेप हमने दे दी है। पानी में डाल देंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे। एक खुले बाउल में कटे हुए आलू हमने शामिल कर दिए हैं। ये तमाम मसाले अब इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक एग लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। कोटिंग अगर आपने ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा शामिल कर दें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। थोड़ी कोटिंग आपने करनी है तो थोड़ा मैदा शामिल करें। मैं कोटिंग थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ इसलिए मैदा ज़्यादा शामिल करूंगी। ये 3 टेबलस्पून मैंने ऐड कर लिया है, ये 4 टेबलस्पून हो गया। मिक्स करके देखती हूँ, ज़रूरत पड़ी तो और ऐड करूंगी। ये देखिए कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, अब हम फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो चुका है, अब मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 2 मिनट के लिए आपने बिल्कुल इसको हिलाना नहीं है वरना कोटिंग जो है उतर जाएगी। अच्छी तरह से कोटिंग सेट हो जाए फिर आपने इनको हिलाना है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करते जाएं। अब मैंने इनकी साइड चेंज की है, अच्छी तरह से इनका कलर भी आएगा, ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। बिल्कुल आपने ना मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। अगर ये जुड़ जाए तो आप फोर्क की मदद से इस तरह करेंगे तो ये अलहदा अलहदा होते जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्स्ट्रा क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मजे के बने हैं। ये देखें कुरकुरे अंदर से सॉफ्ट, और जरूर इसको ट्राई कीजिएगा और फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय कीजिएगा। और ये फ्रेंच फ्राइज जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक मजेदार सी नई रेसिपी के साथ।
अल्लाह निगेबान।